Hello everyone, in this lecture we are going to learn about Turk equation of galvanometer. हम लोग Turk equation of galvanometer को देखेंगे. पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे डी आर्सनेवल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे. तो वहाँ पे दो फिगर आप देखे थे, एक आपका जो मूविंग कॉइल था वो क्या था, रेक्टेंगुलर शेप का था, और एक में मूविंग कॉइल था वो सर्कुलर शेप में था, कुछ इस तरह का था. ये आपका स्टेशनरी पार्ट था और उसके ऊपर मूविंग कॉइल था. तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है इसमें जो वर्टिकल लेंथ है उसको हम लोग एल मानिए. वर्टिकल लेंथ मूविंग कॉइल का जो वर्टिकल लेंथ है उसको एल मानिए और जो ब्रीथ है उसको बी मान लिए. यहाँ पे सस्पेंशन लगा हुआ है, ये आपका मैग्नेट है दो और एक सर्कुलर था, सर्कुलर कुछ इस तरह से था. ये मैग्नेट है यहाँ पे, ये जो आपका लेंथ है ये बी. अब देखिए यहाँ पे टर्क इक्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर में हम लोग मान लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है. एन इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल, जो आपका क्वाइल है उसमें जो टर्न किया गया है, जो लपेटा गया है वो एन नंबर ऑफ टर्न्स है. बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, जिसको हम लोग वेवर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी. आई क्या है, करेंट थ्रू द क्वाइल, इस क्वाइल में जो करेंट फ्लो करेगा उसको हम लोग आई मान लिए. एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्वाइल साइड वर्टिकल, ये वर्टिकल साइड का जो लेंथ है उसको एल मान लिए. और बी क्या है, विड्थ ऑफ द क्वाइल, ये जो क्वाइल है उसका विड्थ मान लिए बी है. अब देखिए थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर जो होता है उसका डिफ्लेक्शन थीटा है. सी क्या है, स्प्रिंग और कंट्रोलिंग और रिस्टोरिंग कांस्टेंट, सी को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट मानते हैं या रिस्टोरिंग कांस्टेंट या कंट्रोलिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग न्यूटन मीटर पर रेडियन में मेजर करते हैं. अब आप सी या के दोनों यूज कर सकते हैं, सी या के दोनों यूज कर सकते हैं. तो के या सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग सी यूज कर रहे हैं. अब देखिए फोर्स ऑफ इच साइड ऑफ कॉइल, प्रत्येक साइड ऑफ कॉइल में फोर्स क्या रहेगा, बी आई एन न्यूटन. दो साइड है देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक इधर साइड है एक इधर साइड है, दो साइड है, एक इस साइड और एक इस साइड, क्योंकि फील्ड रेडियल है इसीलिए फोर्स क्या रहेगा, बी आई एन न्यूटन इच साइड का, प्रत्येक साइड का. तो एक साइड का सपोज कीजिए एक साइड का कितना हो गया, बी आई एन न्यूटन. बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, जिसको वेवर पर मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं. आई करेंट है और एल क्या है, वर्टिकल लेंथ है. अब देखिए क्योंकि दो साइड है यहाँ पे, दो साइड है एक इधर दो साइड है, यहाँ भी देखिए दो साइड है, तो दो साइड है और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है. तो क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, सिंस द कॉइल है एन टर्न्स है एंड ईच टर्न हैज टू साइड है, जितना भी टर्न है उसमें दो साइड है, एक इधर और एन नंबर ऑफ टर्न है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टू एन बी आई एन. बी आई एन एक साइड का है, यहाँ पे दो साइड है टू लग गया और एन नंबर ऑफ टर्न है इसीलिए एन हो गया, तो टू एन बी आई एन न्यूटन्स. अब देखिए दिस फोर्स एक्ट्स एट ए रेडियस बी बाई टू, ये देखिए ये आपका टोटल लेंथ बी है और ये सेंटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा. तो बी बाई टू रेडियस पे ये एक्ट करता है, तो डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस. तो डिफ्लेक्टिंग टर्क इसका निकाल जाएगा फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स कितना निकला है टोटल फोर्स, टू एन बी आई एल, टू एन बी आई एल. और डिफ्लेक्टिंग टर्क को हम लोग टी ऑफ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टर्क टी ऑफ स्मॉल डी. तो क्या हो गया, टू एन बी आई एल और रेडियस कितना है, बी बाई टू इंटू बी बाई टू. आप देखिए टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू, क्या बचेगा एन बी आई एल इंटू बी, क्या है रेडियस है, एन इंटू बी
रेडियस है जिसको हम लोग ए मान लें, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया आपको क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, तो एल इंटू बी बचा इसके जगह हम लोग ए लिख लिए। और यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। टर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टर्क निकल गया। अब देखिए वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एल इंटू बी है, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब देखिए एन बी ए आर कॉन्स्टेंट फॉर ए गैल्वेनोमीटर। ये जो एन बी और ए, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है गैल्वेनोमीटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट। ये एन बी ए क्या है, कॉन्स्टेंट है गैल्वेनोमीटर का। Therefore, deflecting torque is called क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए TD is called क्या गया, NBIA, और NBA constant है जिसको हम लोग denote किए G से, capital G से। तो deflecting torque क्या हो जाएगा, TD is called G into I, where G is called क्या है, NBA। सर्ता का मीनिंग है N is number of turns है, B flux density है, A area of coil है। आप देखिए G is called a displacement constant, G को हम लोग क्या कहते हैं, displacement constant, और G is called क्या होता है, NBA of galvanometer। Controlling torque exerted by the suspension at deflection theta, theta deflection पर, pointer के theta deflection पे क्या होता है, controlling torque exert होता है pointer theta पे। आप देखिए तो controlling torque is called क्या जाएगा, TC। कंट्रोलिंग टर्क हम लोग टी ऑफ सी से डिनोट करते हैं, कंट्रोलिंग टर्क टी ऑफ सी से। तो टी ऑफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के सी इंटू थीटा, सी के जगह पे आप के लिख सकते हैं। तो सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो। तो आप देखिए आपको कंट्रोलिंग टर्क क्या आया, सी इंटू थीटा, और डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या आया, जी आई। स्टेडी डिफ्लेक्शन में, स्टेडी जब स्थिर रहता है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग टर्क और डिफ्लेक्टिंग टर्क दोनों इक्वल होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, जब स्टेडी स्टेट में होता है। तो स्टेडी डिफ्लेक्शन में, स्टेडी में स्टेट, जब आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो है, ये सपोज कीजिए आपका स्केल है और ये पॉइंटर है, तो जब ये पॉइंटर स्थिर रहेगा जिस पॉइंट पे, वहाँ पे कंट्रोलिंग टर्क और डिफ्लेक्शन टर्क इक्वल हो जाएगा। तो टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सी। कब होगा इक्वल, जब STD डिफ्लेक्शन होगा तब। तो अब देखिए TD इज इक्वल टू क्या है, GI है, और TC इज इक्वल टू क्या है, C थीटा है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या है, GI बटे C। G के जगह पे क्या होगा, NBA होता है, तो NBA इनटू I बटे C। यहां से थीटा मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया पॉइंट का, थीटा इज इक्वल टू NBA I बटे C। तो यहां से हम लोग पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मेजर कर लिए। तो हम लोग देखे टर्क इक्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।